नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हैं हम लोग, हमने एक टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। हमारा टॉपिक था नाउन। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक, और टॉपिक है प्रोनाउन। ये टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेकेंड नंबर पर आता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि 8 टॉपिक होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो सेकेंड नंबर पर फर्स्ट टॉपिक जो है नाउन, वो तो हमने पढ़ ही लिया। आज हम सेकेंड टॉपिक प्रोनाउन की बात करेंगे दोस्तों। और ये जो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में, जितने भी आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कराऊंगा यहाँ पर। और आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को दबाएंगे तो आपके पास समय पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप क्लास को उसी समय देख सकते हैं। बाकी जो पीछे टॉपिक अपने कर चुके हैं नाउन, उसको कम्प्लीटली 6 पार्ट में हमने पूरा कर लिया है, और उसके MCQ की भी बात हम आगे करेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं दोस्तों, और टॉपिक का नाम है प्रोनाउन। तो चलिए आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सबसे पहले प्रोनाउन की। प्रोनाउन होता क्या है दोस्तों? प्रोनाउन जो होता है वो हिंदी में हम उसको सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में हम इसको सर्वनाम कहते हैं। अब ये प्रोनाउन जिसको हम सर्वनाम कहते हैं, क्या होता है ये, किस तरह से इसका यूज़ होता है, इसकी सारी बातें अपने आज इस क्लास में करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है इसकी कि अ वर्ड विच यूज इंस्टीड ऑफ नाउन, जो शब्द नाउन के स्थान पर काम आता है दोस्तों, उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो हिंदी में भी मैं लिख लेता हूं कि जो शब्द नाउन के स्थान पर काम आता है, नाउन के स्थान पर काम आता है, उसे प्रोनाउन कहा जाता है, जो शब्द नाउन के स्थान पर काम आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। दोनों भाषाओं में लेके चलते हैं ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी इजीली समझ में आ जाए। अब दोस्तों ये कह रहा है कि जो वर्ड नाउन की जगह काम आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन हमने पढ़ा था पहले कि नाउन क्या होता है। नाउन का अर्थ तो होता है कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस या कोई भी थिंग, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को नाउन कहा जाता है। तो जो वर्ड नाउन की जगह काम आता है वो प्रोनाउन है। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? एग्जाम्पल दोस्तों ये हो सकता है जैसे कि मिस्टर जॉन। मान लो मैं ये कहता हूँ कि मिस्टर जॉन इज अ गुड मैन। मिस्टर जॉन जो हैं वो एक अच्छे आदमी हैं। फिर मैं आगे लिखता हूँ कि ही इज माई नेबर, और वो मेरे पड़ोसी हैं। ही इज माई नेबर, वो मेरे पड़ोसी हैं। मिस्टर जॉन जो हैं वो गुड मैन हैं, और ही इज माई नेबर, वो मेरे पड़ोसी हैं। तो दोस्तों मिस्टर जॉन यहाँ पर एक पर्सन है, और जो भी पर्सन होता है वो क्या होता है? नाउन होता है। और यहाँ पर ये जो वर्ड मैंने यूज़ किया है, ही किसके लिए यूज़ किया है? मिस्टर जॉन के लिए। और मिस्टर जॉन क्या है? नाउन है। तो नाउन के जगह पर जो वर्ड काम आता है उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ही वर्ड है ये प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन की जगह पर काम आया। जो शब्द नाउन की जगह पर काम आता है वो प्रोनाउन कहलाता है। तो यहाँ पर प्रोनाउन कहलाता है ही। लेकिन अब प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या यहाँ पर जॉन लिखा जाए तो गलत हो जाएगा?
हम अगर नाउन के स्थान पर दूसरे शब्द को नहीं लिखते, हम अगर ऐसे लिखते मिस्टर जॉन इज़ ए गुड मैन और मिस्टर जॉन इज़ माई नेबर, तो क्या ये सेंटेंस गलत था? बिल्कुल भी गलत नहीं था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक ही सेंटेंस में जॉन यहाँ पर भी आ गया, जॉन यहाँ पर भी आ गया, एक ही सेंटेंस में जॉन दो बार आ रहा है, तो जिससे क्या, चलो ये एक सेंटेंस है इसमें तो ये चलता है। मान लो आपको कोई पैराग्राफ लिखना हो, कोई ऐसे लिखना हो, वहां पर अगर आप बार बार नाउन को ही यूज करते रहोगे, प्रोनाउन को यूज नहीं करोगे, तो आपका जो सेंटेंस है ना वो इफेक्टिव नहीं बनेगा। इसलिए नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही हम सेंटेंस में प्रोनाउन को यूज करते हैं। कोई आपसे पूछे कि प्रोनाउन क्या है, आप कहते हैं कि जो शब्द नाउन की जगह काम आता है वो प्रोनाउन है। लेकिन फिर प्रश्न ये पैदा होता है कि तो फिर प्रनाउन नाउन के जगह पर दूसरा शब्द हम यूज ही क्यों करें, हम नाउन को नाउन के स्थान पर नाउन ही यूज कर लेंगे। तब आपका आंसर ये होता है कि हम नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, जो नाउन के स्थान पर काम आता है वो प्रोनाउन है। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम नाउन के रिपीटेशन को नहीं चाहते, हम नाउन के रिपीटेशन को रोकना चाहते हैं। तो उस सेंटेंस में फिर हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं दोस्तों। ओके, चलिए अब अपने बात करते हैं इसके काइंड्स की। इसके काइंड्स यानी कि इसके प्रकार की बात करते हैं कि प्रोनाउन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला प्रकार जो है वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन प्रोनाउन का फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप की बात करें तो सेकंड टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, और थर्ड इसका पार्ट है दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और इसका फोर्थ पार्ट है इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन, ये है इसका फोर्थ टाइप। और इसका फिफ्थ टाइप है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन, और इसका सिक्स्थ टाइप है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसका सेवंथ टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसका एट्थ टाइप है रिसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके, और नाइन्थ टाइप है इसका इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन दोस्तों, ये सारे प्रोनाउन के टाइप हैं। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन, अ वर्ड विच यूज इंस्टीड ऑफ नाउन, जो शब्द नाउन की जगह काम आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि नाउन के रिपीटेशन को रोकना चाहते हैं, इसलिए सेंटेंस में हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। प्रोनाउन के टाइप की बात करें तो बहुत सारे टाइप हैं इसके। बहुत सारे टाइप में पहला टाइप कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन। तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। रिसिप्रोकल प्रोनाउन। और इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये सारे प्रोनाउन के टाइप हैं। ओके, ये सारे प्रोनाउन के टाइप हैं। अब हम एक एक टाइप को अलग अलग से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की। चलो इसको भेजते हैं आगे और बात करते हैं सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन की। तो यहाँ पर हम पहले प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ये क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन,
दोस्तों, ये जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, इसको समझने के लिए हमें तीन पर्सन पता होने चाहिए। तीन पर्सन कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं फर्स्ट पर्सन। एक कौन से? फर्स्ट पर्सन। एक तो है फर्स्ट पर्सन और एक होता है सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीन पर्सन होते हैं। ये जो फर्स्ट पर्सन होता है, ये कौन से होते हैं? आई और वी। आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यू को हम सेकंड पर्सन मानते हैं, और जो ही, शी, इट, दे या फिर कोई सा भी नेम, ये थर्ड पर्सन होते हैं दोस्तों। ये कौन से पर्सन होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहां पर कि एक ही सेंटेंस के अंदर तीनों पर्सन आएंगे तो पहले सेकंड पर्सन होना चाहिए, फिर थर्ड पर्सन होना चाहिए और उसके बाद फर्स्ट पर्सन होना चाहिए। इस तरह से, इस क्रम में इनको यूज किया जाता है। पहले सेकंड पर्सन मतलब ये वाला, और फिर थर्ड पर्सन मतलब ये वाले, और फिर फर्स्ट पर्सन मतलब ये वाले सेंटेंस में यूज होते हैं। यानी कि एक ही सेंटेंस में अगर हमें तीनों पर्सन का यूज करना है तो हमें सबसे पहले किसको यूज करना है? हमें सबसे पहले सेकंड पर्सन को यूज करना है, फिर हमें थर्ड पर्सन को, फिर हमें फर्स्ट पर्सन को यूज करना होता है। ओके, तो यहां पर हम सबसे पहले एक सेंटेंस की बात कर लेते हैं। सेंटेंस की बात करते हैं कि यू, सेंटेंस है यू ही एंड आई, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स। मान लो ये सेंटेंस है, और यहां पर हम बात करते हैं एरर का सेंटेंस है ये, नो एरर। अब ये इस सेंटेंस का ए पार्ट हुआ, ये इस सेंटेंस का बी पार्ट हुआ, ये इस सेंटेंस का सी पार्ट हुआ और ये इस सेंटेंस का डी पार्ट हुआ। यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। दोस्तों, यहां पर हमने देखा कि यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। देखिए यहां पर यू सेकंड पर्सन है, उसके बाद ही थर्ड पर्सन है, ये रहा ही थर्ड पर्सन, और उसके बाद है आई फर्स्ट पर्सन, ये रहा आई फर्स्ट पर्सन। तो किसी सेंटेंस में अगर इनको यूज करना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? सेकंड पर्सन, हमारे पास सेकंड पर्सन है। फिर क्या होना चाहिए? थर्ड पर्सन, हमारे पास थर्ड पर्सन है सेकंड नंबर पर। और फिर क्या होना चाहिए? फर्स्ट पर्सन, तो ये फर्स्ट पर्सन भी है। इसलिए इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता है कि ये तीनों ही पर्सन आए, कोई दो पर्सन भी हो सकते हैं, मतलब सेकंड और थर्ड पर्सन भी हो सकते हैं सेंटेंस में सिर्फ। तो लेकिन वहां पर 23 बनना चाहिए। थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन भी होता है, वहां पर 31 बनना चाहिए। और मान लो थर्ड पर्सन नहीं है तो 21 बनना चाहिए, फर्स्ट पर्सन नहीं है तो 23 बनना चाहिए, थर्ड पर्सन नहीं है तो 21 बनना चाहिए। इस तरह से सेंटेंस में यूज करते हैं। देखिए, मैं एक एसएससी में आए हुए क्वेश्चन की बात करता हूं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि माई टीचर, माई टीचर, माई टीचर डज नॉट नो, डज नॉट नो, इसको हटा देते हैं। माई टीचर डज नॉट नो दैट आई एंड रमेश, आई एंड रमेश आर ब्रदर्स, आई एंड रमेश आर ब्रदर्स, हैंस वी लिव टुगेदर। ये कह रहा है, मैं नहीं जानता, मेरा टीचर नहीं जानता कि मैं और रमेश भाई हैं जबकि हम साथ रहते हैं। दोस्तों, ये कोई एरर का क्वेश्चन है, और ये हुआ इसका ए पार्ट, ये हुआ इस सेंटेंस का
बी पार्ट, और ये हुआ इस सेंटेंस का सी पार्ट, और ये हुआ नो एरर। अब इस सेंटेंस में क्या एरर है ये देखा जाए तो दोस्तों यहां पर देखिए, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और रमेश, रमेश कोई भी नेम होता है तो फिर वो कौन सा पर्सन है, फिर वो थर्ड पर्सन है, तो यहां पर थर्ड पर्सन है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन तो है नहीं, तो क्या बनना चाहिए था, 31। लेकिन यहां पर सेंटेंस में हम देख रहे हैं तो क्या बन रहा है, यहां पर बन रहा है 13, बनना चाहिए 31। तो ये सेंटेंस ऐसे नहीं होगा, यहां पर आई एंड रमेश के बदले हम क्या लिखेंगे, रमेश एंड आई, रमेश एंड आई, ये करेक्ट सेंटेंस बनेगा, जिससे ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ये पर्सनल प्रोनाउन का जो है फर्स्ट रूल है, पर्सनल प्रोनाउन का ये फर्स्ट रूल है। इसके अलावा भी रूल है, उसकी अपने बात करते हैं। अगला रूल क्या है, पर्सनल प्रोनाउन की ही बात कर रहे हैं अभी हम, पर्सनल प्रोनाउन का अगला रूल क्या है, चलिए इसी पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे हम, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो अगला रूल हमारे पास ये है कि ये जो क्रम हमने अभी पढ़ा था ये 1 2 3 भी हो सकता है, 1 2 3 ये भी हो सकता है, मतलब सबसे पहले फर्स्ट पर्सन हो सकता है और उसके बाद सेकंड पर्सन होता है और उसके बाद थर्ड पर्सन होता है, उसके बाद थर्ड पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। लेकिन अपने को कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है? तो दोस्तों जब किसी सेंटेंस में कोई व्यक्ति अपना क्राइम, कोई व्यक्ति अपना क्राइम, इट मींस व्यक्ति अगर अपना अपराध स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, या कोई व्यक्ति अपना सिन, सिन मतलब पाप, कोई व्यक्ति अपना पाप जो उसने किया है उसको एक्सेप्ट करता है, या कोई व्यक्ति अपनी कोई मिस्टेक, अगर कोई व्यक्ति अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करता है, मतलब गलती को एक्सेप्ट करता है किसी सेंटेंस में, तो फिर वहां पर ये क्रम लगता है, वहां पर 1 2 3, वहां पर 1 2 3 आ जाएगा, मतलब सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड, फिर थर्ड पर्सन। कब? जब कोई व्यक्ति अपना कोई क्राइम एक्सेप्ट करता है, कोई अपना सिन एक्सेप्ट करता है, या कोई अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करता है, तब। जैसे सेंटेंस ये है, सेंटेंस ये है कि आई यू एंड ही, आई यू एंड ही स्टॉल, स्टील की सेकंड फॉर्म है स्टॉल, हर बुक्स और नो एरर, नो एरर, ये क्वेश्चन है। ये इसका ए पार्ट हो गया, ये इसका बी पार्ट हो गया, और ये इसका सी पार्ट हो गया, और ये हो गया इसका डी पार्ट। ये कह रहा है कि मैंने, आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और ही थर्ड पर्सन है, मैंने, तुमने और उसने उसकी किताबें चुराई हैं। तो दोस्तों यहां पर ये अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी मिस्टेक को, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने, तुमने और उसने उसकी किताबें चुराई हैं। तो 1 2 3, 1 2 3 बन रहा है, और 1 2 3 ही बनना चाहिए, इसलिए ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। और एक चीज का और दोस्तों आपको याद ध्यान रखना है कि जो वी होता है ये सेंटेंस में सबसे पहले रहता है। वी जो होता है, वी ये किसी भी रूल को नहीं मानता, वी का यूज सेंटेंस में सबसे पहले किया जाता है, सबसे पहले किया जाता है। वी का यूज सेंटेंस में सबसे पहले किया जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैं ऐसे कहता हूं, वी यू एंड ही, वी यू एंड ही वेंट जयपुर, जयपुर लास्ट संडे, लास्ट संडे,
अब ये सेंटेंस है और एन ई मतलब नो एरर। अब क्या गलती है देखते हैं इस सेंटेंस में। ये ए पार्ट हुआ गया इसका, ये इसका बी पार्ट हो गया, और ये हो गया इसका सी पार्ट, और ये हो गया इसका डी पार्ट। वी यू एंड ही वेंट टू जयपुर। तो दोस्तों यहाँ पर सेकंड पर्सन, यहाँ पर ये रूल लगना चाहिए था 2 3 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर क्राइम सिन और मिस्टेक की बात नहीं हो रही है, तो 2 3 1 लगना चाहिए। तो 2 और ये 3, और यहाँ पर जगह थी 1 की, लेकिन ये वी यहाँ पर आ गया, क्योंकि वी किसी रूल को नहीं मानता। वी का यूज सेंटेंस में सबसे पहले होता है, तो यहाँ सबसे पहले होगा, बाकी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन अपनी जगह पे हैं, इसलिए ये सेंटेंस भी सही होता है दोस्तों। ओके, ये सेंटेंस भी सही है। अब हम पर्सनल प्रोनाउन के एक अंतिम रूल की बात कर लेते हैं। चलो मैं यही बता देता हूँ आपको कि अंतिम रूल ये है, तीसरा रूल ये है, यहाँ पर बात करता हूँ मैं इसकी। तीसरा रूल ये है कि जो सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है और जो फर्स्ट पर्सन है, अगर ये आपस में जुड़ते हैं तो आगे आर आता है, ओ यू आर, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं तो आएगा योर, और इसी तरह सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन होता है तो भी आएगा आर, और अगर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन होते हैं तो भी आएगा आर। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन जुड़ेंगे तो आगे आएगा आर, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जुड़ेंगे तो आएगा योर, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आएगा तो आर, और यहाँ पर भी आर, मतलब योर एक ही कंडीशन में बन रहा है। कब? जब सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आपस में जुड़ेंगे तब। इनको अपने एग्जाम्पल से समझते हैं, यहां पर थोड़ा सा इनको इनसे सेपरेट कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि यू ही एंड आई, यू ही एंड आई मतलब सेकेंड पर्सन हो गया यू, और ही थर्ड पर्सन हो गया, और आई फर्स्ट पर्सन। यू ही एंड आई हैव डन योर वर्क, योर वर्क, और ये एन ई नो एरर। तो दोस्तों ये इसका ए पार्ट है, ये इसका बी पार्ट है, और ये इसका सी पार्ट हो गया, और ये इसका डी पार्ट हो गया। अब इस सेंटेंस में क्या रह रहा है? तो साफ पता चल रहा है ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है इसमें। तो आगे क्या आना चाहिए था? आर। यहां पर क्या आ रहा है? योर। तो ये गलत है, यहां पर क्या होना चाहिए? आर। ऐसे ही अगर ये दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं अपने, अगर ऐसे होता यू एंड ही, यू एंड ही डन हैव डन, हैव डन आर वर्क, आर वर्क, और नो एरर। तो ये है इस सेंटेंस का ए पार्ट, हो गया इसको दोस्तों, यू ही एंड आई आर हैव डन आर वर्क। एक सेकेंड, तो यहां पर देखो, यहां पर लिखा है आर, ये आर यहां पर नहीं होगा, यहां पर क्या होना चाहिए? योर, जहां पर आपको आर दिख रहा है, यू एंड ही हैव डन आर वर्क। आर वर्क नहीं होगा क्योंकि यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, और ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। जब सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन आगे जुड़ेंगे तो हमें लिखना होगा आर। ओके, यहां पर ये सेंटेंस भी, ये रूल भी हमारा कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन यहां पर कंप्लीट होता है, अपने एक एक करके सारे प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन आज कंप्लीट किया है, फिर अगली क्लास में हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे, फिर रिफ्लेक्सिव, इम्फेटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडिफिनेट, रिसिप्रोकल, ऐसे करके हम सारे प्रीपोजिशन, ये जो सारे प्रोनाउन हैं इनके पढ़ लेंगे हम, से ये सारे टाइप एक एक करके हम पढ़ेंगे। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, नमस्कार।